नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम गाइड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। दोस्तों, हर युवा की ख्वाहिश होती है कि उसे जिंदगी में ऐसा काम मिले जिसमें उसकी जीविका तो चले ही, साथ ही उसे समाज में मान सम्मान और रुतबा भी हासिल हो, और ये मौका अपने लोगों के बीच मिले तो फिर कहना ही क्या। लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रशासनिक सेवाओं के लिए होने वाली परीक्षा में कामयाब होकर आप अपने इस सपने को पूरा कर सकते हैं। आज हम गाइड में पीएससी परीक्षा की तैयारियों के बारे में जानकारी लेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए ये रिपोर्ट। प्रशासनिक सेवा आज भी आकर्षक करियर विकल्पों में से एक है। इसमें केंद्रीय लोक सेवा और राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से जाया जा सकता है। हर राज्य में लोक सेवा आयोग के माध्यम से परीक्षा होती है, जिनके द्वारा डिप्टी कलेक्टर, उप पुलिस अधीक्षक, जिला आबकारी अधिकारी, नायब तहसीलदार, जिला वाणिज्य कर अधिकारी जैसे पदों के लिए चयन होता है। छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा 3 चरणों में होती है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। कैंडिडेट्स को सबसे पहले मेंस की तैयारी करनी चाहिए। मेंस में सिलेबस डिटेल में होता है, जबकि प्री एक शॉर्ट टेस्ट होता है। ऐसे में मेंस में की गई मेहनत से कोई भी शख्स बेहतर तरीके से प्री को मात दे सकता है। प्री में सामान्य अध्ययन, जिसमें देश और राज्य का इतिहास, भौगोलिक स्थिति, कला, राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था जैसे मसलों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसमें सीसैट भी होता है। इसमें संचार कौशल, पारस्परिक तार्किक कौशल, निर्णय लेने की क्षमता, हिंदी छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान पूछा जाता है। गलत जवाब लिखने पर 50% मार्क्स माइनस मार्किंग के तहत काट लिए जाते हैं। इसके बाद बारी आती है मेंस की। इसमें राज्य और देश से जुड़े 7 पेपर होते हैं। हर पेपर 200 नंबर का होता है। इसके बाद इंटरव्यू 150 नंबर का होता है। इसमें कैंडिडेट को 65% मार्क्स जुटाने होते हैं। प्री की तैयारी के लिए बेसिक मजबूत रखें। 6वीं से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी की बुक्स अच्छे से पढ़ें। प्री ऑब्जेक्टिव पैटर्न में होता है, इसलिए टू द पॉइंट नोट्स बनाएं। टाइम मैनेजमेंट करें। पीएससी प्री और मेंस की तैयारी हमेशा साथ साथ करें। हर टॉपिक डिटेल में पढ़ें। क्वेश्चन आंसर लिखने की प्रैक्टिस करें। पिछले सालों का प्रश्न पत्र जरूर देखें। निर्धारित समय में प्रश्न पत्र हल करने की प्रैक्टिस पहले से करें, ताकि परीक्षा हॉल में आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। जो सवाल आता है उसे पहले हल करें, कठिन सवालों को बाद में करें। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है एग्जाम का। ऐसे समय में ये जो बचा हुआ समय है कितना महत्वपूर्ण हो सकता है आपकी तैयारी के लिहाज से। इससे जुड़ी कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 400-877। अगर आप रायपुर से बाहर के दर्शक हैं तो रायपुर का कोड भी लिख लीजिए 0771। सीजीपीएससी की तैयारी और परीक्षा हॉल में टाइम मैनेजमेंट किस तरीके का होना चाहिए, किन बातों पर फोकस छात्रों का रहना चाहिए, इससे जुड़ी जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राम कश्यप, आईएएस अकेडमी बिलासपुर के डायरेक्टर राम कश्यप जी। राम जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद ज्योति, थैंक यू। बहुत कम समय बच गया है। अक्सर हम जब प्रोग्राम में चर्चा करते हैं राम जी, तो हम ये चर्चा करते हैं कि कैसे तैयारी करें, कैसे फोकस करें, ताकि आपका जो अध्ययन है वो डीप हो और उससे जुड़े छोटे छोटे जो सवाल है ऑब्जेक्टिव वो आसानी से हो सके। लेकिन अब चूंकि समय बहुत कम रह गया है, 20 फरवरी को ही एग्जाम होना है, जिन बच्चों ने बहुत गंभीरता से तैयारी की है उनके लिए तो थोड़ा आसान होता ही है, फिर भी ये जो बचा हुआ समय है इस पर किन बिंदुओं पर उन्हें फोकस करना चाहिए? ज्योति जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैं अपने सारे युवा साथियों को तो पहली छत्तीसगढ़ पीएससी में सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और कहता हूं कि सफलता बहुत करीब होती है, बस एक अच्छी रणनीति और दिशा की जरूरत होती है। सबसे पहले खास बात जो तुझे बताना चाहूंगा कि जो पेपर फर्स्ट होता है हमारा सामान्य अध्ययन होता है, जिसमें 36 से 50 प्रश्न आते हैं। अच्छा। और दूसरा जो प्रश्न उसी पार्ट में बाकी जो 50 क्वेश्चन होते हैं वो इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि छत्तीसगढ़ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, छत्तीसगढ़ के पाठ्यक्रम में जो दिया हुआ सिलेबस पीएससी उसी पहले तैयारी बहुत अच्छा से करना चाहिए विद्यार्थियों को। पढ़ते वक्त उन्हें वरीयता क्रम भी ध्यान में रखना चाहिए। पहला टॉपिक छत्तीसगढ़ में हमें जो तैयारी करना है उसमें छत्तीसगढ़ का जो पाठ्यक्रम है उसमें छत्तीसगढ़ का परिचय, छत्तीसगढ़ की नदियां, उद्योग, खनिज, पर्यटन और छत्तीसगढ़ की जनजाति, छत्तीसगढ़ की पंचायती राज और छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था संबंधी टॉपिक की तैयारी कराना बहुत जरूरी होता है। और एक खास बात, अब तक छत्तीसगढ़ में जो परीक्षाएं पूछा गया है, चाहे वो छत्तीसगढ़ पीएससी हो चाहे व्यापम, वो प्रश्न का अवलोकन एक बार सफलता के लिए बहुत अनिवार्य है। जब भी हम तैयारी करते हैं तो एक बात बहुत ध्यान से समझना चाहिए कि बहुत कठिन टॉपिक
जो एकदम समझ में नहीं आ रहा है ऐसे टॉपिक पे एकदम ज्यादा ध्यान और ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं होता है। अधिकतर क्वेश्चन वही ज्यादातर पूछे जाते हैं जो महत्वपूर्ण होता है और जनरली बार बार उस टॉपिक से संबंधित होता है। ज्योति जी, एक जरूर बताना चाहूंगा हमारे युवा साथियों को कि छत्तीसगढ़ को पढ़ाई करते वक्त सबका नक्शा सवलोकन जरूर करना चाहिए। जैसे हम लोग खरीज पढ़ते हैं तो नक्शा में एक बार देखें कि लोहा कहाँ, तांबा कहाँ। अच्छा, ये जो गंभीरता से पढ़ाई मान लीजिए बच्चों ने कर ली जात के हिसाब से, जैसे पिछले प्रोग्राम में भी हमने बताया था बच्चों को, तो ऐसे समय में अगर किसी खास विषय को वो कर रहे हैं तो अब चूंकि समय कम है तो अगर देखने के बाद जो चीजें होती हैं वो ज्यादा याद रहती हैं, तो नक्शा आप अपने सामने रख के उसको पॉइंट आउट करके केवल क्रॉस चेक कर सकते हैं, फाइनल टच जिसको फिनिशिंग कहते हैं, ये एक तरीके से आसान हो जाता है बच्चों के लिए। कॉल ले लेते हैं, पूनम जुड़ चुके हैं जांजगीर से। पूनम स्वागत है, बताइए क्या सवाल है आपका। ये छत्तीसगढ़ एसी की तैयारी करना है तो समय बहुत कम है तो कैसे तैयारी करें इसके लिए? तैयारी आपने पहले से की है कि नहीं, क्योंकि अब समय बहुत ज्यादा नहीं है। खास बात यह है कि जैसे अपन जब तैयारी शुरू करें तो मैथमेटिक्स सी सेट का जो पेपर होता है खासकर उसमें मैथमेटिक्स की शॉर्टकट तरीका और रीजनिंग की जो शॉर्टकट तरीका एक बार जरूर अवलोकन करना चाहिए। सबसे अच्छा ये है कि हम जब हल करते हैं तो कम समय में ज्यादा क्वेश्चन अगर हल करना है तो छत्तीसगढ़ी भाषा जो छत्तीसगढ़ पीएससी में दिया हुआ जिसमें 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं और हिंदी भाषा जिससे 10 से 12 क्वेश्चन पूछा जाता है वो कम समय में बहुत अच्छा स्कोरिंग होता है, हमें उनको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तैयारी करते वक्त जैसे अभी जो खासकर हमारे विद्यार्थी जो प्रश्न पूछ रहे हैं उन्हें आधुनिक भारत इतिहास पर और संविधान पर क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है, तो राजव्यवस्था पर आधारित क्वेश्चन अगर पढ़ते हैं उससे छत्तीसगढ़ की भी राजव्यवस्था एक बार एक साथ कवर हो जाता है। जैसे अपन मान लो प्रधानमंत्री पढ़े छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति पढ़े तो राज्यपाल, लोकसभा पढ़े तो विधानसभा, यदि ऐसा करेंगे तो बहुत इजी पैटर्न पे तैयारी हो जाता है। बिल्कुल, एक साथ आप बहुत सारी तैयारी साथ साथ करते हैं। चलते हैं दूसरी जो अहम बात मैं जानना चाहूंगी आपसे राम जी, अक्सर बच्चों का ये रहता है कि पीएससी की तैयारी की है इस बार तो हमारा सिलेक्शन होना ही है, कॉन्फिडेंस उनके अंदर रहता है जो अच्छी बात है। पेपर फर्स्ट और सेकंड की अगर हम बात करते हैं कितने कितने नंबर हमें मिलने चाहिए कि हमारा जो चयन है वो हो जाए? एक चीज खास है कि बहुत सारे विद्यार्थी परीक्षा हाल में जब बैठते हैं तो वो एक विशेष रहता है कि क्वेश्चन कम बना तो वो ज्यादा बनाने का प्रयत्न करते हैं। ये माइनस मार्किंग होने से हमेशा अगर पेपर कठिन आया तो कट ऑफ पॉइंट कम चला जाता है। पिछले अवलोकन से पता चलता है अगर जनरल में लगभग 45% सही करते हैं तो विद्यार्थी हमारे उसमें सिलेक्शन में प्राप्त हो जाते हैं। यदि हम लोग लगभग 200 में लगभग 90+ क्वेश्चन बना देते हैं दोनों पेपर मिला के तो सिलेक्शन पिछले अनुभव से यह है कि विद्यार्थी सिलेक्शन ले लेता है। अब अगर क्वेश्चन इतना बन गया तो और दोबारा अधिक ज्यादा गोला लगाने की जरूरत नहीं है, अन्यथा वो माइनस मार्किंग अगर अपन ज्यादा गोला लगा। इसी पर मैं आपसे जरूर सवाल करना चाहूंगी, माइनस मार्किंग जिस भी परीक्षा में रहे केवल पीएससी की नहीं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अगर माइनस मार्किंग का सिस्टम है तो सावधानी क्या रखनी चाहिए जाने, उससे पहले कॉल ले लेते हैं। शुभम जुड़ चुके हैं बलरामपुर से, कॉल किया उन्होंने। शुभम स्वागत है, सवाल करें अपना। तैयारी हो चुका है तो मतलब किस प्रकार के क्वेश्चन पर ज्यादा पढ़ाई मतलब करना चाहिए? ज्योति जी, अच्छा क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है कि जो सिलेबस में दिया रहता है उस पर टॉपिक को करना पड़ता है, कवरेज करना पड़ता है, जो ज्यादा अच्छा रहता है क्वेश्चन के लास्ट मोमेंट पे। मेरा ये कहना है कि छत्तीसगढ़ का जो सिलेबस में दिया है एक बार जरूर अवलोकन कर ले विद्यार्थी, ज्यादा क्वेश्चन बनेगा उनसे और अगर छत्तीसगढ़ अच्छा हो गया तो ये एग्जाम निकलेगा। दूसरी बात रहा जो सब में पर्यावरण पर है, पर्यावरण का मेन टॉपिक, साइंस का जो मेन टॉपिक्स है वो आप जरूर तैयारी कर लें और पुराना प्रश्न पत्र जो आया हुआ उसका अवलोकन करना हमारे युवा साथियों के लिए बहुत जरूरी होता है, एक बार अवलोकन उसका जरूर करें। जैसे अपन भूगोल लेते हैं तो भूगोल को भी एक बार नक्शा से पढ़ें और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है उसकी भी एक बार तैयारी करें। मैथमेटिक्स पे जो कुछ टॉपिक्स पे बताना चाहूंगा ज्योति जी, जो जनरली क्वेश्चन आता है जैसे परसेंटेज का क्वेश्चन, औसत का क्वेश्चन और ये अनुपात और समानुपात, आयु संबंधित क्वेश्चन और सी सेट में जो डाटा इंटरप्रिटेशन, पाई चार्ट से संबंधित एनालॉजिक क्वेश्चन होता है, कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक्स होता है और उसमें कुछ रिलेशन संबंधित क्वेश्चन आता है, साथ ही साथ इसमें कथन और निष्कर्ष वाला जो क्वेश्चन आता है, एक डायग्राम से मेन जो डायग्राम जिसको कहते हैं, यदि हमारे युवा साथी ऐसे पढ़े तो ऐसा कोई कारण नहीं एग्जाम ना निकले। विशेष बात जो मैं आपको और बताना चाहूंगा कि परीक्षा हाल में जब हमारे विद्यार्थी बैठते हैं तो पहले जो क्वेश्चन होना चाहिए उसको
सरल टॉपिक की तैयारी बहुत करनी चाहिए। जो खासकर मैं जो बताना चाहूंगा, जैसे अगर हम लोग मान लो सीसेट पर पढ़ते हैं तो हमें हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा का जो क्वेश्चन होता है वो कम समय में बहुत जल्दी बनता है। हमारा तैयारी ये होना चाहिए कि पहले उस पर ऑप्शन करें। दूसरा वरीयता क्रम तैयारी करते वक्त रीजनिंग का जो क्वेश्चन होता है उसकी तैयारी हम लोग पहले बनाएं, उसको जल्दी जल्दी हल करें, उसमें टाइम कम लगता है। फिर मैथमेटिक्स पर आएं, मैथमेटिक्स का जो शॉर्टकट तरीके जो क्वेश्चन बन सकता है उसकी तैयारी पहले करनी चाहिए। जी एक कॉल ले लेते हैं राम जी, राहुल जुड़ चुके हैं कोरिया से। राहुल स्वागत है, बताएं क्या सवाल है आपका। राहुल से संपर्क हमारा शायद नहीं हो पा रहा। राम जी जब मैं माइनस मार्किंग की चर्चा करती हूँ, एक अहम जानकारी मैं आपके जरिए बच्चों को देना चाहूंगी कि कई बार ये होता है कि गेस करने लगते हैं बच्चे, जैसे आपने बताया कि 200 में से 50 उनका सॉलिड आंसर है कि उन्होंने सही किया है, लेकिन उसके बाद कुछ वो कंफ्यूजन वाले भी क्वेश्चन होते हैं जिसपे वो थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा ना वाली स्थिति होती है। तो ये जो सवाल है ये आपके पहले जो किए हुए सवाल है उसका भी नंबर खा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर सावधानी कितनी होनी चाहिए। नुकसानदायक नहीं है, लेकिन यदि आप 80% श्योर होते हैं, 80% प्लस, तो आप तीन क्वेश्चन भी बनाते हैं और तीन में अगर एक भी सही हो जाता है तो आपको कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए। हाँ, लेकिन रिस्क लेना चाहिए ऐसा लगता है। दूसरी बात, बनाते वक्त हमारे युवा साथी इस बात को ध्यान रखें, हमारे प्रसुप्त बुद्धि जो होता है वो कहीं कहीं जो पहला अटेम्प्ट क्वेश्चन जो आता है ना जो उसको जरूर टिक करना चाहिए। इससे क्या होता है, पहले जो याद आता है ये होना चाहिए, उसको तुरंत एक बार कर लेना चाहिए। एक और विशेष बात अपने युवा साथी को जरूर आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, क्वेश्चन टिक करते वक्त जैसे क्वेश्चन पेपर एक तरफ रखना चाहिए और आंसर शीट एक तरफ रखना, जैसे क्वेश्चन जो सही है तुरंत गोला लगा देना चाहिए। हमारे उससे होता है कि आपको समय कम बचता है। बहुत सारे युवा साथी ये करते हैं हमारे कि एक साथ क्वेश्चन पेपर में सिर्फ बिंदु बिंदु लगाते हैं, लास्ट में गोला लगाते हैं, होता है टाइम कम बचता है और बी को सी सी को बी कर डालते हैं। हमारे साथी ऐसा जरूर ना करें। अभी जो परीक्षा कम समय है एकदम कॉन्फिडेंस साथ तैयारी करें और स्पीड तैयारी करें, बिंदुवार उसको जो महत्वपूर्ण चीज है उसको अंडरलाइन जरूर करते जाएं। यदि ऐसा करते हैं तो ऐसा कोई कारण नहीं कि प्रथम प्रयास में छत्तीसगढ़ पीएससी ना निकले। बिल्कुल। क्या कुछ और सावधानी की जरूरत होती है, खास करके समय कम हो तैयारी के लिए भी और तब भी जब वो एग्जाम हॉल में बैठा हो, उससे जुड़ी जानकारी मैं आपसे लूंगी। आज फिलहाल यहाँ पर रुक जाते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम गाइड में। इंदौर से जुड़ चुकी हैं पिंकी। पिंकी स्वागत है, सवाल कीजिए। पिंकी आप मुझे सुन पा रही हैं तो सवाल कर सकती हैं। संपर्क लगता है टूट गया। विवेक जुड़े हुए हमारे साथ में सूरजपुर से, इन्होंने कॉल किया है। विवेक क्या सवाल है आपका? नमस्ते। बोले जी विवेक, सवाल बिल्कुल सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, जैसे निर्णय निर्माण जो रीजनिंग का टॉपिक्स होता है उसमें कॉमन सेंस लगाने की जरूरत पड़ता है और इसके लिए साइमन का जो प्रिंसिपल है निर्णय निर्माण पर उसको जरूर करें। निर्णय में जो टाइप्स होता है जैसे प्लान निर्णय और अनप्लान निर्णय होता है, जो बेसिक डिसीजन होता है और कुछ रूटीन डिसीजन होता है, उस पर विचार में मेरिटर दिया रहता है, उसके बाद जरूर पढ़ें। रही बात छत्तीसगढ़ी भाषा का, तो छत्तीसगढ़ी भाषा को हिंदी भाषा से एक बार जो थी तुलनात्मक हमारे विद्यार्थियों को करना चाहिए। जैसे मान लो कारक चिन्ह पढ़ते हैं तो जैसे कर्ता में होता है तो छत्तीसगढ़ी में कर्ता के साथ ह होता है, जैसे मोहन ने आम खाया तो मोहन ह आम खाइच, तो उसमें जो ह शब्द है वो उसका लिए में होता है। इसमें अपन कर्ता में कर्म को करते हैं तो कर्म को जो होता है उसके लिए छत्तीसगढ़ में एक वर्ड होता है, उसको ध्यान रखिए। जैसे करण से होता है ना, तो इसके लिए अगर दोनों को तुलनात्मक करते हैं तो छत्तीसगढ़ी भाषा आसान होता है ना, इसे कहीं दिक्कत नहीं होता है। और ऐसा ही अपन संज्ञा सर्वनाम और विशेषण की तुलनात्मक अध्ययन करें छत्तीसगढ़ी भाषा, बिल्कुल गलत नहीं होता है। दूसरी बात एक और है, जैसे समास पढ़ते हैं तो समास में भी दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करें। हम लोग क्या कर छत्तीसगढ़ी भाषा का समास और हिंदी भाषा का समास एक साथ पढ़े, द्वंद समास, द्वंद समास में दोनों पद प्रधान होता है जैसे माता और पिता, तो इसी में अपन छत्तीसगढ़ी पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा दाई और ददा, तो और जो है वो उसके लिए आसान होता है। अगर हम मान लो इसी में पढ़ते हैं जैसे दुगु समास, तो संख्यावाचक होता है पहला पद,
तात्पर्य ज्योति जी की, अगर छत्तीसगढ़ी भाषा और हिंदी भाषा का मतलब आपको कि जब छत्तीसगढ़ी भाषा का आप व्याकरण पढ़ रहे हैं तो साथ साथ आप हिंदी का भी रख लें, उससे गलत नहीं होता है। अच्छा। और वो आसान होता है हमारे युवा साथियों के लिए। और एक जरूर कहना चाहूंगा कि हल करते वक्त पहले हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा को पहले बनाए, यदि ऐसा है, क्योंकि वो कम समय में तैयारी करने वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। यदि अपन वैसा तैयारी करें तो हमें आसानी के आधार पर अपन क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे राम जी, वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं जी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सज्जन सिंह जुड़ चुके हैं भोपाल से। सज्जन जी स्वागत है, बताएं क्या जानना चाहेंगे आप? संपर्क लगता है हमारा टूट गया राम जी। चर्चा हम कर रहे थे माइनस मार्किंग को लेकर, सावधानी की बात आपने बताई है। अब चूंकि समय कम है, ऐसे में क्या कुछ टिप्स आप इस वक्त जो तैयारी कर रहे हैं बच्चों को देना चाहेंगे? जी, मैं अपने सारे युवा साथियों को जरूर कहना चाहूंगा कि परीक्षा के एक दिन पहले रिलैक्स बांटे जरूर रहे। दूसरी खास बात यह है कि जो जो चीज अति इम्पोर्टेंट होता है और जो सरल क्वेश्चन होता है उसको सबसे पहले जरूर बनाना चाहिए। कभी कभी हमारे युवा साथी एग्जामिनेशन हाल में उन बिंदुओं पर ज्यादा टाइम देते हैं जो कठिन रहता है और नहीं बनता है। पेज पलट करके देखना चाहिए कि आगे का सरल क्वेश्चन भी आता है वो बने। अपने रुचिकर क्वेश्चन को जल्दी बनाने का प्रयत्न करें। खास बात यह है कि जब हम लोग करते हैं जो गैप होता है परीक्षा में 2 घंटा, उसमें रिलैक्स माइंड से दें। और हमारे युवा साथी इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कॉन्शियस माइंड जो अंदर में रहता है उसको बनाए रखने का प्रयत्न करें। कभी भी हड़बड़ी में और जल्दबाजी में जानता हुआ क्वेश्चन गलत बिल्कुल ना करें। एक और विशेष बात कि जितना आपका आत्मविश्वास बड़ा होता है उतना सफलता बहुत करीब होता है। अंतिम समय में ये भूल गया या मेरे को याद नहीं, ऐसा मन में कभी ना लाए। एक बार देखें कि जो पढ़े हैं वही परीक्षा में आता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है राम जी, देखिए आपने तैयारी बहुत अच्छी की है, हमने तमाम पहलुओं को बड़ी बारीकी से गौर किया है, लेकिन जैसे ही आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और पेपर आपके पास आया तो लगता है मेमोरी एकदम आउट हो गई, आपने सारा कुछ फ्लैश आउट हो गया। तो ऐसे में धीरज रखने की कितनी जरूरत है कि वापस वो रिकॉल करती है। जी जी, अच्छा देखिए एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, हमारे युवा साथी कभी ये ना सोचे, क्योंकि मस्तिष्क में क्या है पावर्स रहता है और वो कहीं ना कहीं अंदर में रहता है, उसको अगर आप बिना प्रेशर के देंगे तो जल्दी याद होता है। दिमाग भी आवश्यक बर्डन नहीं करना चाहिए। यदि पेपर कठिन आता है तो कम सिलेक्शन होता है, इस बात को भी ध्यान रखें। माइनस मार्किंग अनावश्यक ज्यादा क्वेश्चन बनाने का प्रयत्न बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, रिलैक्स होने से क्या होता है कई चीज याद आ जाता है। लास्ट में हमें परीक्षा के 10 मिनट पहले तक पूरी क्वेश्चन एक बार हमें हल कर लेना चाहिए, और 10 मिनट टाइम में 15 मिनट जब बचता है तो उन क्वेश्चन पे जरूर ध्यान एक बार रखना चाहिए कि क्या चीज और है जो मुझसे बन सकता है, उन्हीं क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो हमारे युवा साथी पहली प्रयास में छत्तीसगढ़ पीएससी जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। तो चलिए आपके बताए गए टिप्स से जो बच्चे हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं उनको थोड़ी आसानी जरूर होगी कि वो एग्जाम को क्लियर कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही, दें इजाजत, नमस्कार।